नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 24 मई की ताजा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए, साथ ही डेली अपडेट के लिए युग चरण चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की पहली खबर है कि चुनाव आयोग का नड्डा और खड़गे को नोटिस। चुनाव आयोग ने बुधवार 22 मई को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को नोटिस जारी किया। आयोग ने दोनों पार्टियों के अध्यक्षों और स्टार प्रचारकों से अपने भाषण को सही करने, सावधानी बरतने और मर्यादा बनाए रखने के लिए कहा। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेता अपने भाषणों में संविधान बचाने और अग्निवीर स्कीम का बार बार जिक्र कर रहे हैं। वहीं भाजपा के नेता अपनी स्पीच में मुसलमान और धर्म पर जोर दे रहे हैं। आयोग ने दोनों पार्टियां के स्टार प्रचारकों को धार्मिक और सांप्रदायिक बयानबाजी न करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने कहा, रीट में राजस्थानी भाषा शामिल करने की संभावनाएं तलाशें। राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स रीट के पाठ्यक्रम में राजस्थानी भाषा को सम्मिलित करने की संभावनाएं तलाशने को कहा है। अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने शिक्षा के अधिकार को लेकर एक कानून पास किया था, जिसमें यह प्रस्तावित किया गया था कि शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी कहा गया है कि बच्चों को 8वीं कक्षा तक मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। राजस्थान में 48 डिग्री टेम्परेचर, गर्मी से एक की मौत। उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। बुधवार को देश में सबसे गर्म शहर राजस्थान का बाड़मेर रहा। यहां अधिकतम तापमान 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 4 दिन के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में भी लू का अलर्ट है। राजस्थान में आने वाले दिनों में तापमान 50 डिग्री तक पहुंच सकता है। राज्य के 19 शहरों में बुधवार को तापमान 45 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया था। वहीं गर्मी से राजस्थान के बालोतरा जिले की निर्माणाधीन रिफाइनरी में काम कर रहे एक मजदूर की मौत हो गई। मौसम विभाग के अनुसार अलवर, भरतपुर, धौलपुर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली और श्रीगंगानगर में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। किरोड़ी लाल मीना ने सीएम के बाद अब पीएम मोदी को लिखा पत्र। राजस्थान के चर्चित एकल पट्टा मामले में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। मीना ने लिखा है कि इस मामले में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल व अन्य अधिकारी दोषी हैं, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में इन्हें बचाने के लिए तथ्यों के विपरीत रिपोर्ट बनाई। इसी रिपोर्ट को पिछले माह अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। उन्होंने कोर्ट में गलत जवाब पेश करने वालों के खिलाफ आपराधिक व अनुशासनात्मक कार्रवाई की जरूरत जताई है। कश्मीर में आतंकी हमले में घायल फराह को लाए जयपुर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों की फायरिंग में घायल जयपुर के दंपति को जम्मू स्थित मेडिकल कॉलेज में इलाज के बाद शिफ्ट किया गया है। पति तबरेज खान सनी को आंख के इलाज के लिए चेन्नई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पत्नी फरहा खान को जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लाया गया है। यहां एक्सरे के साथ ही उनके कंधे का सिटी स्कैन करवाया गया है। नगर निगम हेरिटेज की अनूठी पहल, भीषण गर्मी से गायों को बचाने के लिए छोड़ी जा रही पानी की फुहार। राजस्थान में भीषण गर्मी कहर बरपा रही है। आम आदमी ने प्रचंड गर्मी और तेज धूप से जहां खुद को बचाने के लिए घरों और दफ्तरों में कैद कर लिया है, वहीं अब जयपुर की सबसे बड़ी हिंगोनिया गौशाला में गौवंश को गर्मी से राहत देने के लिए नगर निगम हेरिटेज ने एंटी वाटर स्मोक गन चलाने के साथ ही टेंट और तिरपाल लगाया जा रहा है, ताकि जयपुर जिले की 18,000 से ज्यादा गायों को गर्मी से राहत दी जा सके। आरसीबी प्लेऑफ में सबसे ज्यादा मुकाबले हारने वाली टीम बनी राजस्थान रॉयल्स। आरआर ने आईपीएल एलिमिनेटर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी को 4 विकेट से हराकर क्वालिफायर 2 में जगह बनाई। अहमदाबाद में राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। बेंगलुरु ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 172 रन बनाए। राजस्थान ने 19 ओवर में 6 विकेट पर टारगेट हासिल कर लिया। इसी के साथ आरसीबी सबसे ज्यादा प्लेऑफ मुकाबले हारने वाली टीम बनी।
बनी। विराट ने 8000 आईपीएल रन सबसे पहले पूरे किए और युजवेंद्र चहल राजस्थान रॉयल्स के ऑल टाइम टॉप विकेट टेकर बन गए। शादी समारोह में मावे की रबड़ी खाकर 108 लोग बीमार। शादी समारोह में शामिल 108 रिश्तेदार फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। सभी ने मावे की रबड़ी खाई थी। इसके बाद उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी। इतनी बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़े कि उन्हें अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। मामला दौसा जिले के लालसोट थाना इलाके के बिलौना कला गांव की तलाई वाली ढाणी का है। सोनी चांदी की कीमत में आई बड़ी गिरावट। भारत में दिनों दिन बढ़ रही सोने और चांदी की कीमत में गुरुवार को बड़ी गिरावट हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी उठापटक की वजह से स्टैंडर्ड सोने की कीमत में जहां 1400 रुपए की गिरावट आई है, वहीं रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी चांदी की कीमत भी 3300 रुपए कम हुई है। इसके बाद 24 का 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 74,650 रुपए, जबकि चांदी प्रति किलो की कीमत 92,300 पर पहुंच गई है। इसके बाद सर्राफा बाजार में एक बार फिर सोने और चांदी के आभूषणों की खरीद बढ़ने लगी है। यूआईटी का दावा, सरकारी जमीन पर गुंजल कर रहे खनन। कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के बावड़ी खेड़ा गांव में क्रेशर के पास यूआईटी, वन विभाग और राजस्व विभाग की टीम जमीन का नाप लेने पहुंची। एक तरफ नापने के बाद दूसरी तरफ मुख्य निशान नहीं मिले तो दोपहर बाद टीम लौट आई। हालांकि यूआईटी के कुशल कोठरी ने दावा किया है कि स्टॉक और खनन यूआईटी की ही जमीन पर हो रहा था, लेकिन पुख्ता करने के लिए अभी GPS सर्वे किया जाएगा। गौरतलब है कि यहां से एक दिन पहले खनिज विभाग ने 955 टन मैसनरी पत्थर, एक LNDT मशीन, डंपर जब्त किया था। यूआईटी तहसीलदार ने मंगलवार को प्रहलाद गुंजल व उनके भतीजे लोकेश गुंजल के खिलाफ केस भी दर्ज कराया था। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताजा खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। साथ डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।